हिस्ट्री बनाते हैं, रिकॉर्ड बनेगा, दोनों गाड़ियां रैप करते हैं। आप पेंट पकड़ो कोई भी और कर दो हमारी गाड़ियां, हमें बताओ ही ना। आई अप्रिशिएट द फैक्ट के लास्ट व्लॉग में जो आपने गाड़ी पे कलर होता देखा था, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश था इस चीज़ को लेके कि फाइनली हमने एक अच्छा कलर डिसाइड कर लिया। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया कि जो उसके अंदर कुछ शेड्स हैं वो बहुत बुरे हैं। ये तो हो गई उस पेंट की बात, लेकिन आज एक नया चैप्टर खुलने को जा रहा है। वो चैप्टर क्या है इस व्लॉग में आप देखेंगे। दोनों गाड़ियाँ इसी में हो रही हैं। डू यू सी द फ्यूचर ब्रदर? मैं फ्यूचर पता क्या देख रहा हूँ, दोनों गाड़ियों के रोलिंग इकट्ठे। ओह गॉड, एक बार दिला दे। इधर से देखो, इधर आओ। वो एक गाड़ी जब पेंट हो जाएगी ना, वर्कशॉप के बाहर खड़ी करके सामने चेयर पे रख के बैठ जाएंगे। खैर उन टेंशनों के अलावा जरा ये H23 तो चेक करो बॉस। यार स्लो गाड़ियों में मैं नहीं सफर करता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से है। आज अभी आपने देखा है कि कुछ पार्ट्स हमने गाड़ी के इंटीरियर के जो पार्ट्स हैं, शुक्र है घर से जो है ना गंद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हुआ है, तो मेरी माँ ज़रा जो है ना खुश होना स्टार्ट हो गई है कि यार चलो शुक्र है ये गंद अपना गाड़ी का जो है ना घर से ले के जा रहा है, समेट रहा चीज़ें अभी भी। लेकिन जो है ना घर को मैंने स्टोर रूम बनाया हुआ है, गाड़ी काफ़ी हद तक जो है ना हमारी घर में पड़ी हुई है। गाड़ी को पेंट करने से पहले सोचा ये है कि उसका इंटीरियर पैक होना चाहिए, ताकि पेंट करने के बाद गाड़ी को जितने कम हाथ लगें उतना ज़्यादा बेहतर है, उसको ज़्यादा देर वर्कशॉप पे नहीं खड़े रखना कि वो पेंट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें जो है करने पड़ेंगे अपने पार्ट्स पेंट इंटीरियर वाले, और गाड़ी को अंदर से पैक करना पड़ेगा। है जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो की कर दे भयो, तुम हैं कोई नेकी कमाओ, चैनल नु सब्सक्राइब करो, मुल्क दे विच आएगा डॉलर, मुल्क की मईशत ठीक होगी। बाकी और सुनाओ यार, कैसे हो, कैसी गुजर रही है जिंदगी? ठीक ठाक हो, तबीयत से ठीक है? आगे मौसम बड़ा मजे का आ रहा है यार, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। कोई मीटअप प्लान करते हैं यार, आ जाना लाहौर, आ जाना, मिलते हैं मीटअप, मैं प्लान कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपने, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं, बस गाड़ी वर्कशॉप से निकल लेने दो फिर कोई मीटअप प्लान करते हैं। ये मेरे सर पे चढ़ा हुआ प्रोटोकॉल वाला, अंदर ही ना घुस जाए। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह वर्कशॉप पे। ओके अल्लाह हाफिज़ नहीं, सी यू। अच्छा यार मुझे नहीं पता लास्ट आप व्लॉग कहाँ पे, मैं एंड करके तो गायब हो गया था, दो तीन दिन हो गए हैं जो लास्ट फुटेज आपने देखी है, लास्ट वीडियो देखी है उसको दो दिन हो गए। आपने देखा कि पार्ट्स हम दे आए थे वर्कशॉप पे, उसके बाद मसरूफियत में ऐसे हम गुम हुए हैं कि हम वर्कशॉप पे नहीं गए, और आज खबर होगी कॉल आई है, कहते हैं आपने गाड़ी पेंट करवानी है नहीं करवानी। मैं गया यार, खैर हो, आज खबर भाई ने खुद अपने मुँह से ये बात कह दी है कि गाड़ी पेंट करवानी है नहीं करवानी, तो यार कुछ मामला सीरियस है, तो आज वर्कशॉप चलते हैं। और मजे की बात ये है, ये चेक करो जरा यार, अंडरपास बन रहा है इधर गाइस, वेरी वेरी फास्ट डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई इट इज़ गोइंग ऑन, लेकिन इट इज़ गुड, अच्छी बात है। सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, ये कहते हुए आप लोगों ने मुझे पहले भी सुना होगा, लेकिन वो सफ़र था सफ़र जो इंसान तय करता है, लेकिन एक इंग्लिश वाला सफ़र भी होता है जिसमें इंसान जलालत काटता है, जैसे कि वर्कशॉप की जलालत। लेकिन वर्कशॉप की जलालत सिर्फ और सिर्फ बुरी मेमोरीज़ नहीं होती, उनमें कुछ अच्छी मेमोरीज़ भी होती हैं, जैसे कि एक ये मेमोरी है जिसमें हम पेंट के रिलेटेड कुछ बहस कर रहे हैं। वो देख रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को, वो अपने एक्सपीरियंस में ठीक है, आप बोल रहे हैं कि चच्चा में ठीक, दोनों बंदे ठीक हैं, मैं क्या करूं? नहीं जो नपोन का हम लगाते हैं ना मसला ने एक दो ठीक है, प्रेमर हम अच्छा लगा रहा है, बस ये है कि वो 5000 रुपए का क्वार्टर है हमारा, ये प्रेमर का इससे पैसे तो नहीं है मेरे पास, नहीं बात सही है, बात सही है भाई, कम हुई होगी ना आपकी बात ठीक है, लगाने के दो घंटे बाद भी आप पेपर मारेंगे ना 1500 का लग जाएगा, कुछ भी नहीं, घंटे बाद भी मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है वो कर ले, घंटे बाद भी मैंने कराई है, एक मिनट मेरा सवाल है, अभी नहीं सुखेल भाई बात कर रहे तो कर ले, क्यों What is this? सूखी है? हाँ, सुबह से मैंने लगाई है।
जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, बहुत आला। वैसे ये सारा इंटीरियर मार्केट्स का वली भाई ने वो कहा के रख दिया। एक दो चीज़ें छोटी छोटी रह गई हैं, छोटी छोटी नहीं कह रही है, बड़ी सी चीज़ थी जो भूल गए हैं। ये भी इंशाल्लाह इसको भी पेंट लग जाएगा। इंटीरियर ऑलमोस्ट सारा ब्लैक हो गया, बाकी फोर्स तो आपको पता है हमारे पास पड़ा है। उसके अलावा ये गाड़ी में हमने करवाना है फिट, अभी नहीं, आज नहीं हो पाएगा, इसको हम थोड़ा सा ज़रा एसी रखेंगे। अभी ड्राई होने का इशू नहीं है, ड्राई तो हो गया ये पेंट, लेकिन गाड़ी में इंस्टॉल करने से पहले पहले हमें गाड़ी के दरवाजे और झड़कें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दरवाजे खुले हुए हैं, इसके जो दरवाजे हैं ये वाले हिस्से, इसकी झड़कें दरवाजे और इस सारी चीज़ें जो है ना, इसको पहले हम बेस कोट में जो है ना इसको रंगेंगे, मतलब ब्लैक पेंट करेंगे इन सारी चीज़ों को, ताकि इस गाड़ी को हम अंदर बाहर से पैक करें, पहले अंदर से पैक करें फिर बाहर से पैक करें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि गाड़ी तैयार करते हुए इंसान डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है, कभी एंजाइटी होती है, कभी परेशानी होती है, कभी बजट का इशू होता है, बहुत इश्यूज होते हैं। मैं इस पॉइंट पे आके कंफ्यूज था। कंफ्यूज इसलिए था कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ टोन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो मेरे जहन में ये बात खटक रही थी कि वाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज़, इतना महंगा पेंट ले रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं बनता। इतनी बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है यार भाई, ये सोचा कि रंग चेंज कर रहे हैं। चले यार फिर, चले भी भाई, चले यार, वो जितना महंगा है ना खबर भाई, मेरा ना वो सोच के हुआ है। सस्ता तो मुझे पसंद है, आप वो छोड़ो। और इसका ना शेड भी आपको मसला देखना, जो शेड कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आप मुझे ये आप हेलो भाई बनी, अब इस बात से ना पूरा उतरी समझ गया सर, दोनों गाड़ियां मंडल करता हूँ। चल अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चल यार वली भाई, मैं मिडनाइट पर्पल लेके आ रहा हूँ, 3 लीटर काफी है। छोड़ दे 3 लीटर, पहले लेके आते हैं, आज बीएम के फेंडर पे लगा के देखते हैं, हम अपना टेस्टिंग करते हैं। ना लो कोई और फेंडर लो, वो लगवा देते हैं, लेकिन कवर भाई कहते हैं एल फिर कहानी शुरू। चलो लेके यार वली भाई मेरी बात सुनो, हम लेके आते हैं एक फेंडर करके दो हमें। यार वो कहता ना मेरे पास फेंडर पड़े हैं, हां डन डन, उसको लगवा लेते हैं, उसकी तैयारी करो। ये नहीं, मैं मेहनत तो बार उसकी तैयारी कर लो, हम लेके आ रहे हैं इतना सा, अब लेके ओके। चलो भाई, चलो आज आज आप भी मार जा दलील हो। हिस्ट्री बनाते हैं, रिकॉर्ड बनेगा, दोनों गाड़ियां रैप करते हैं। आप पेंट पकड़ो कोई भी और कर दो हमारी गाड़ियां, हमें बताओ ही ना। खत्म हो गया पेंट ले, चल चले जाओ। व्हाट टू डू यार, व्हाट टू डू यार भाई, अब यार मैं तो कहता हूं जेन्युइन करो, जान छुड़ाओ यार, जेन्युइन कर लें, दोनों सिल्वर है, दोनों सिल्वर पेंट हो गई, जितने दी गोती होते यार गलती सिल्वर है, जो सिल्वर रंग तो खंभों के होते हैं भाई। जब आप पेंट के पीछे इतना ख्वार हो रहे हो कि आपका दुकान वाला आपसे तंग आ जाए और वो आपको पूरी किताब दे दे। बहुत ज्यादा किताब है यार ये। अरे जात का रंग है भाई इसके अंदर, ये चेक करो जरा। दुकान पे जो चीज़ लेने गए थे हमें वो चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन हमने फिर डिसाइड किया कि हम चेरी टीगो 8 का रॉलेंट पर्पल एक कलर आता है वो हम अपनी गाड़ियों को करवा लेते हैं। लेकिन जब हमने फेंडर पे अप्लाई किया तो कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, वो कहते हैं ना कि चस नहीं आई, समझे कि करोला जो है ना वाइन रेड, हम उसके पास पहुँच गए, उसके पास पहुँच गए, आस पास मर गए हम। बात वो ठीक कह रहे हैं, वो आपकी मेरी बात यही मैंने इसको कही थी, ये कोई नॉर्मल कलर है, कोई डिफरेंट कलर नहीं है, डिफरेंट वो है जो 7-2 हमने किया था। पिछले ब्लॉग में जैसा कि आपको पता है मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, जो दो रंग आ रहे हैं गोल्डन और ग्रीन कलर के, ये अच्छे नहीं लग रहे। सेकंड चीज ये है कि हमें और कोई चीज नहीं मिल रही, आपस की बात है, वो पेंट बहुत महंगा है, वो बहुत ज़्यादा एक महंगा है, जिसकी वजह से मैं सोच रहा था कि यार ये वर्थ इट नहीं है। अगर सस्ता होता तो ठीक है, मैं कहता यार चलो वर्थ इट है, वो इतना महंगा है कि वो वर्थ इट नहीं लगता। इस मामले में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, ए ब्राउन हो गया, ए पर्पल हो गया।
यार मैं फिट ओके करे भाई साहब, इस डब्बी में फिर से एक नया रंग उसी फेंडर के लिए। जेन्युइन यार वली भाई, और ये सारे जो है ना, जितना इन्होंने साथ दिया है शायद ही कोई और इतना साथ देता। वली भाई, खाबर भाई, और ये जो हसन भाई पेंट बनवा के लाए हैं उनका, हसन नहीं है, दानियाल, दानियाल नाम है, दानिश नाम है, नॉट श्योर। वैसे यार वो भाई का नाम क्या जो ये लेके आए? साकिब भाई। साकिब भाई, साकिब भाई, मैं तीन नाम दे चुका। दानिश भाई, दानिश भाई, हाँ हाँ हाँ। यार ये इस पे बड़ा डिफरेंट है, काली बेस पे लग के उसकी रंग ही चेंज हो जाता है, इस तरह तो ऑरेंज वाला। ये बंद कर दो। उससे पहले हमने कुछ किया, उसके बाद कुछ किया, अब लास्ट ब्लॉग में आपने देखा है, आपने देखा है कि हमने डिसाइड कर लिया था वो कलर। अब पूरा दिन हमने कंफ्यूजन के बाद हमने डिसाइड ये किया कि मैं वही पेंट करूंगा, ये अपना ब्लैक कर ले या ये जो हमने आज किया वो कर ले। अब ये पेंट नया आ गया, दानिश भाई क्या था ये? दानिश भाई जो पेंट लेके आए वो इतना अच्छा लगा, अब दिल कर रहा है कि ये कर ले। बात ये है, आपको याद होगा कि जब हमने सबसे पहले आपने गाड़ी रैप की थी वो फिरोजी क्या मिंटोस, तब भी हमारा ट्विंस का प्लान था, नहीं हुई। उसके बाद मेरी गाड़ी पेंट हो गई, उसके बाद जब मैंने गाड़ी लाइम ग्रीन करनी थी तब हमारा ट्विंस का प्लान था, नहीं हुई। उसके बाद लाइम ग्रीन मैंने उतारा, मैंने गाड़ी फिर रैप करनी थी, आपने गाड़ी फिर रैप करनी थी, आपने रेड करनी थी, तब मैंने ऑरेंज सोचा हुआ था, तब हमने सोचा था हम इकट्ठे करेंगे। हाँ जी, एक तीसरा बंदा अल्लाह का एक बंदा, वो कहता है हमने सेम नहीं करना, हमने महंगा रैप करना है। ठीक है भाई, कर लो आप, कर लिया उन्होंने। तब तीनों का सोचा था, फिर तीनों से दो पे आए, दो भी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। तो ये रैप पे भी नहीं हुआ, पेंट पे हो जाएगा तो अच्छा ही है। ट्विंस इज अ गुड लाइफस्टाइल, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, मेरा भी शुरू से यही प्लान था कि बीमर और रूडी यहां से जो है ना इकट्ठी एक ही रंग में निकले, दूसरे रंग पे इसका दिल नहीं आ रहा, इस रंग पे मेरा दिल आ रहा है, इसका तो दिल आ चुका है ऑलरेडी, और इसको ब्लैक से हटा दिया मैंने, क्योंकि ब्लैक इज, इसकी बीमर पे ब्लैक कलर अच्छा लगना था नो डाउट, लेकिन इट इज टू मेन स्ट्रीम, इट इज नथिंग डिफरेंट। हमने कुछ डिफरेंट करना है, डिफरेंट वो था जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। अब ये क्या चीज है, ये जब होगी तो ही पता चलेगा। अच्छा लग रहा हमारा बोर्ड का एग्जाम होने वाला। चस आ गई कि नहीं? फिर आएगी। अभी तक क्या लग रहा है वैसे? दोनों गाड़ियां इसी में हो रही हैं। डू यू सी द फ्यूचर ब्रदर? मैं फ्यूचर पता क्या देख रहा हूँ? दोनों गाड़ियों के रोलिंग इकट्ठे। ना खाब दिखाओ मुझे इस टाइम। मैंने देख लिया। गुजर जाए बॉस, यार आपकी अपनी वर्कशॉप है, अपनी वर्कशॉप समझे। ये जो ऊपर से ग्राउंड मार रही है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। वो जो ग्रीनिश है ना, वो चीज कम हो गई है जो मैं चाह रहा था। गोल्ड खत्म हो गया वो। नहीं, गोल्ड है तो सही, लेकिन बहुत कम ब्राउनिश है। अच्छा, बहुत अलग लॉक कर दे। ये यहाँ से इतना प्यारा लग रहा है, ये एग्जैक्ट यहाँ से। असल में ना किस्मत में लिखा था मार्क एक्स और बीएमडब्ल्यू एक रंग में हो, किस्मत में था। नीचे बैठ के ना, वर्षों के बाहर खड़ी करके सामने चेयर रख के बैठ जाएंगे, बैठ के देखते रहेंगे, लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, वो वाली लेके चेयर। Thank you.
तो बॉयज़ हमने अपना कलर फाइनली दोबारा फाइनल कर लिया। होपफुली जो है ना ये वाला पेंट हम चेंज नहीं करेंगे। खबर पे ये कह रहे थे कि अब पेंट जो है ना हमने ख़रीद लिया है, तो ओवरनाइट आप अपना माइंड बदल ना लेना। ये खबर भाई ने आज हमें सही टॉन्ट किया, तो जिनमें आज खबर में सही चस्के लिए हमारे ना, बनता है उनका भी। वो तो हम तो ऐसे हमने अपनी केजी क्लास में कुछ शूज डिसाइड करने के, ये वाले नहीं पहनने हैं, दूसरे पहनने। कसम है यार, जनरल बहुत कंफ्यूजन थी, बहुत कंफ्यूजन थी। लेकिन अच्छी बात जो है ना, पॉजिटिव इसमें ये हुआ काम के भाई, दोनों गाड़ियां सेम कलर में हो रही हैं। और दोनों गाड़ियां जब दुआ में भाई याद रखिएगा, अगर आप इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो चैनल का हिस्सा बन जाए, वरना आप दो मिडनाइट खूबसूरत गाड़ियां नहीं देख पाएंगे। मिडनाइट पर्पल, सॉरी, ठीक है भाई, एक और चैनल पे भी आएगी दो गाड़ियां। हाँ यार, एक और चैनल पे भी आएंगी। दूसरी गाड़ी देखने के लिए एक बड़ा चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, दो में फाइव याद रखिएगा, चैनल का लिंक दे पाप आई। तो बस ठीक है यार, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।